हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिरजू व्यास। हम आज बात करेंगे इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग के बारे में, जो कि काफी भारी शब्द है। मैं तव्य स्पाइन हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मेरा काम है एज अ चीफ फिजियोथेरापिस्ट। मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में भी काम करता हूँ, जिसमें मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ। और इसके अलावा मैं ऑपरेशन थिएटर में काम करता हूँ, जिसमें मैं करता हूँ इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग। तो ये चीज के बारे में मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा कि अगर घर में पंखा खराब होता है तो हम क्या करते हैं। हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को। तो मेरा कुछ काम इलेक्ट्रिशियन की तरह है, पर अगर वही पंखा सोने का है तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि पंखे में खरोच भी आ सकती है और उसको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर पंखा सोने का है तो आप सोचेंगे क्यों ना इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया जाए, जो इसको खोलने और बंद करने के लिए एक्सपर्ट है, तो जो होते हैं सर्जन। अगर और आगे सोचे तो वही सोने का पंखा अगर जिंदा है, जिसमें जान है, तो उसमें दर्द जैसी भावनाएं भी होगी। तो वो दर्द ना हो जब उसको खोले बंद करे, तो उसको दर्द ना हो, उसके लिए हम बुलाएंगे केमिकल इंजीनियर को, जो कुछ इस तरह से दवाइयां देगा ताकि उसको दर्द ना हो। तो वो केमिकल इंजीनियर उदाहरण के तौर पे होते हैं एनेस्थेटिस्ट। तो वो सोने का पंखा है आपका शरीर, जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। और जो ऑपरेशन होता है उसमें तीन मुख्य रोल होते हैं। एक रोल होता है जो सबसे मुख्य है, उसको मैकेनिकल इंजीनियर का, जो सर्जन होते हैं, जिसकी लीडरशिप में बाकी का सब काम होता है। दूसरा रोल होता है केमिकल इंजीनियर का, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो बेहोशी की दवाई, दर्द की दवाई वगैरह देते हैं, ताकि मरीज की सर्जरी एकदम अच्छी तरीके से और कंफर्ट के साथ हो। और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रिशियन, जो न्यूरो मॉनिटरिस्ट कहलाते हैं, जिसका काम होता है नसों को नुकसान ना हो उनके लिए उनको हमेशा अलर्ट रखना। तो बतौर न्यूरो मॉनिटरिस्ट मैं क्या करता हूँ, उसके लिए अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देखें तो ये जो है वो मैं हूँ, और ये जो कंप्यूटर जैसी चीज दिख रही है मेरे साथ, ये इस तरह से मशीन होता है न्यूरो मॉनिटरिंग का। यहाँ पे सर्जन सर्जरी करते हैं और यहाँ पे जो खड़े हैं वो हमारे एनेस्थेटिस्ट साहब है। तो मैं सबसे 6-6 फुट की दूरी पे होता हूँ, पर फिर भी जब सर्जन ऑपरेशन करते हैं तो वो अगर चेता तंतु को छूते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि साहब आप चेता तंतु को छू रहे हैं, उससे मरीज को नुकसान हो सकता है। तो उस तरह से वो ध्यान रख सकते हैं ज्यादा। और जैसे ही एनेस्थेशिया की गहराई कम होती है तो मैं एनेस्थेटिस्ट को भी बता सकता हूँ कि साहब एनेस्थेशिया की गहराई कम हो रही है, तो मरीज को थोड़ा और एनेस्थेशिया देने की जरूरत है। इस तरह से जो मेरे पास बॉक्स रहता है, जो ये कंप्यूटर बॉक्स रहता है, उसको मैं मैजिक बॉक्स भी कहता हूँ, क्योंकि वो मुझे काफी दूर बैठे बैठे सभी चीजों की जानकारी देता है। तो ये चीज मैं कैसे करता हूँ, तो आइए जानते हैं कि शरीर की संरचना किस तरह से होती है। जैसे कि ये नस होती है, ज्ञान तंतु जिसको बोलते हैं, चेता तंतु जिसको बोलते हैं, उसमें एक हिस्सा होता है दिमाग का, जो ब्रेन होता है। दूसरा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो दिमाग से पूंछ की हड्डी तक जाती है। और तीसरी जो होती है वो ये छोटी छोटी नसें होती है, जो हाथ और पाँव में जाती है। तो इस तरह से हमारी नसें बनती है। नसों में दो तरीके से करंट बहता है, एक दिमाग से करोड़ स्तंभ, मतलब कि स्पाइन से होके मांसपेशियों तक, और दूसरा होता है मांसपेशियों से लेके चमड़ी से लेके संवेदना को लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड में से दिमाग तक। सो दो तरीके से करंट का बहाव होता है। तो करंट का बहाव कुछ इस तरह से होता है कि मेरा जो मेन कंप्यूटर होता है उसमें एक नंबर दिया है, तो वो एक नंबर में से करंट निकलता है, वो तार में जाता है जो 2 नंबर पे है। वो तार दिमाग के साथ अटैच्ड होते हैं, जो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 नंबर जो है यहाँ पे मैंने दिमाग में सब इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं सर के ऊपर, और वो नीडल्स में से होके करंट जाता है आगे की ओर 4 नंबर में, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, और उसमें से जाता है वो नसों में, जो छोटी छोटी नसें होती है वो मांसपेशियों में जाती है, जो मांसपेशी है वो 6 नंबर में है, और वहां से वो करंट जाता है 7 नंबर में, जो कि ये छोटी छोटी नसें हैं उसमें से जाता है इलेक्ट्रोड्स में, और उसमें से जाता है मशीन में, और फिर वहां से वापस कंप्यूटर में जाता है, जहां पे ये ग्राफ बनाता है। और ये जो ग्राफ बनाता है उससे मुझे पता चलता है कि करंट पूरी सर्किट में से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मशीन और वायर में से करंट जाता है दिमाग, और फिर वो करंट जाता है स्पाइनल कॉर्ड में,
और वहां से स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स में जाता है, मसल्स में जाता है, और वापस वायर में होके मशीन में वापस आता है। तो इस तरह से पूरा सर्कल घूमता है और करंट पास होता है पूरे बॉडी में, ताकि मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे ब्रेक है। न्यूरो मॉनिटरिंग परफॉर्म करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहले तो मशीन जो होता है वो 40 लाख के आसपास का आता है। जो नीडल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो एक पैर होती है वो लगभग 600 रुपये की एक पैर आती है। ऐसे पूरे बॉडी में 26 से 30 पैर यूज होती है, तो लगभग 18 हज़ार जितना खर्चा उस नीडल्स का होता है। इंडिकेटेड पेशेंट, जिसमें हमको करना चाहिए वही पेशेंट्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस्ड न्यूरो मॉनिटरिस्ट होने चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हो रही है। मशीन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी पेशेंट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी एनेस्थेसिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उस तरह से सर्जन भी हो, ऐसे एक्सपीरियंस होने चाहिए जिनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस पे हमको करंट दे के चेक करना है। और एनेस्थेटिस्ट भी ऐसे होने चाहिए, उनको भी काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ देने से मेरे ग्राफ्स जो होते हैं नहीं आते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम सब ऑपरेशंस में न्यूरो मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक ऑपरेशन में जरूरत नहीं होती है। कुछ चैलेंजिंग केसेस, जैसे कि गर्दन के पहले दूसरे मनके का प्रॉब्लम, जिसमें कोई पे गांठ कहीं पे हो, तो भी ऑपरेशन में न्यूरो मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अगर रीढ़ की हड्डी जो पीछे की होती है, बहुत छोटी जगह होती है, वहां पे अगर वहां पे ऑपरेशन करते हैं, तो वहां पे भी हम न्यूरो मॉनिटरिंग का यूज करते हैं। तो हर एक जगह पे न्यूरो मॉनिटरिंग का यूज नहीं होता है। अभी आपको एक उदाहरण के तौर पे एक समझाता हूँ। जैसे ये मरीज थे, उनकी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है यहाँ पे नस दबी हुई थी। अगर ये देखो तो यहाँ पे नस दबी हुई है। जैसे यहाँ पे जो सफेद कलर का पानी दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पूरा दबाव है। तो ये मरीज जो आए थे वो चल नहीं पा रहे थे, वो व्हीलचेयर में आए थे, उनकी गर्दन में नस दबी थी, ताकि उसकी वजह से क्या हो रहा कि हाथ की ताकत भी कम थी, बैलेंस भी खराब था। यंग लड़का था, आई थिंक 20 साल की उम्र होगी उनकी। अभी जब ऑपरेशन के लिए उनको ऑपरेशन टेबल पे लिया गया, और मैंने जब पहले ग्राफ लिए, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सब ग्राफ फ्लैट आ रहे थे, पूरे सीधे थे। मतलब एक ही ग्राफ ऐसा था जिसमें अच्छी तरह से थोड़ा दिख रहा था, बाकी के सब ग्राफ फ्लैट आ रहे थे। तो उसका मतलब ये होता है कि करंट पास नहीं हो रहा है, और करंट जब पास नहीं होता है तो ग्राफ नहीं आता है। हमने मरीज को उल्टा सुलाया ऑपरेशन के लिए, तब तक के लिए ग्राफ नहीं आ रहे थे, कुछ एक ही ग्राफ था जो आ रहा था। जैसे ही ऑपरेशन चालू किया, हमने नस का थोड़ा दबाव दूर किया, और जैसे ही नस का दबाव दूर किया, गर्दन के हिस्से में ये सब ग्राफ वापस दिखने चालू हो गए। देखे तो आप, ये सब ग्राफ आ रहे हैं यहाँ पे अभी। तो जैसे ही ये ग्राफ दिखते हैं, सबसे पहले जान आती है सर्जन में। वो खुशी के मारे एकदम खुश हो जाते हैं कि भाई चलो ग्राफ आ गए, तो मरीज को रिकवरी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है ऑन टेबल हमारे लिए। फिर हमने स्क्रू भी लगा दिए, इस तरह से पूरे सबके सब ग्राफ आ गए, काफी सारे ग्राफ आ गए। यहाँ पे भी ये दो ग्राफ आ गए, सिर्फ एक आध ग्राफ था जो अच्छी तरह से नहीं आ रहा था, बाकी काफी सब आ गया था। और जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो ये ऑपरेशन के पहले का दबाव था यहाँ पे अगर आप देखो तो, और ये अगर आप देखो तो ये ऑपरेशन के बाद का दबाव है। पूरी तरह से ये खुल गया है, नस की जगह खुल गई है। तो कुछ इस तरह से ऑपरेशन किया, और उसके बाद मरीज को चलाया भी गया। उनको जब चलाया तो वो दोनों हाथ के सपोर्ट के साथ चलना चालू कर दिया उन्होंने, और धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, वो भी अच्छे भी है। आप देख सकते हैं ये वीडियो, उसमें दबे साथ मरीज को चला रहे हैं, और इस तरह से उनका चलना चालू हो, बहुत खुश थे। हमारी हॉस्पिटल में न्यूरो मॉनिटरिंग की शुरुआत 2015 से हुई है, और पहला न्यूरो मॉनिटरिंग हमने 2015 में किया था। तब से अब तक में हमने 500 से भी ज्यादा काफी चैलेंजिंग केसेस किए हैं, जैसे कि गर्दन के पहले दूसरे के मनके में प्रॉब्लम होना, या गांठ होनी, या पीछे की रीढ़ की हड्डी में नस के ऊपर इतना खराब दबाव होना। तो ये सब चैलेंजिंग केसेस में मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जब से ये चालू किया है हमने, तब से प्रैक्टिकली काफी कम मरीजों को पैरालिसिस की इफेक्ट आती है। मैं अगर बोलूँ तो शायद पिछले 6 7 साल में एक या दो मरीज जो चैलेंजिंग केस में आते हैं, वैसे मरीजों को में से एक या दो मरीज को ही पैरालिसिस की इफेक्ट हुई है, और वो भी रिकवर हुई है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा काम जादूगर जैसा ही है, क्योंकि मैं सर्जन के चेहरे पे मुस्कान लाता हूँ। उसके अलावा मरीज भी खुश होते हैं, क्योंकि उनका भी रिस्क काफी कम हो जाता है। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरी हाजिरी में सब इतने लाइट होकर काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो अच्छी तरह से काम करने वाली ही है। थैंक यू।